नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। मेरा नाम है आशुतोष मौर्य और आप देख रहे हो बिजली वाला। तो आज हम फिर से दो प्रोडक्ट लेके आए हैं, मतलब हर बार तो एक ही लेके आते हैं। आज हम दो प्रोडक्ट लेके आए हैं ज़बरदस्त। अगर आप घर में खुद से बैटरी यानी सोलर सिस्टम बैठवाना चाहते हो तो आप बैठा सकते हो ईजिली वहाँ के लिए, जहाँ बिजली वगैरह कम रहती है। तो वहाँ के लिए ये इन्वर्टर बहुत ही बेहतरीन है और ये वाला सोलर। जैसे कि ये वाला जो इन्वर्टर है ये 1050 VA का है, यानी 1050 VA ये आता है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है जिसके अंदर आप सोलर कनेक्ट कर सकते हो। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि आप इजीली इसके अंदर सोलर कनेक्ट कर लोगे। एंड इसका जो फंक्शंस होती हैं वो थोड़ा अलग टाइप से काम करती है बाकी सोलर इन्वर्टर से। जैसे कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी देता है सोलर को, अगर आप सोलर से कनेक्ट किए रहते हो तब। तो पहले ये क्या करता है कि सोलर से आपको चलाएगा, फिर अगर सपोज उसमें बिजली चली जाती है तो उसके बाद ये पहले आपका बैटरी यूज़ करेगा। बैटरी को कुछ हद तक डाउन करता है, जैसे 50% डाउन करता है। डाउन करने के बाद अगर उसके बीच में अगर सोलर का कोई भी मतलब, जैसे रात में अगर नहीं मिलता है करंट वगैरह, तो ये बिजली से फिर करंट लेके आपके घर में भी सप्लाई देने लगता है। तो बेसिकली इससे आप पूरा घर चलाने के बारे में नहीं सोच सकते हो। आप इससे कुछ अपने घर में जैसे लोड है, फैन है, कुछ लाइट्स जैसे जला रहे हो, आप वो सारी चीज़ें जला सकते हो। अधिकतर घरों में इन्वर्टर का कनेक्शन होता है, तो इन्वर्टर के कनेक्शन में आपको जनरली मालूम है कि फैन, कुछ लाइट्स आती है, 3-4 फैन आती है, ये सारी चीज़ों का कनेक्शन होता है। तो पूरा घर चलाने का मतलब वो उसके लिए तो मैंने मना कर रखा है भाई। एक तरह आप देख लेना, एक और वीडियो मैंने बना रखा है उसके लिए, जो बिग प्लांट लगाते हैं जो पूरा घर का लोड चलाना होता है, जिसमें फ्रिज वगैरह आप एसी वगैरह सब चलता है, तो उसका तो सब कुछ अलग है। फिलहाल ये जो सिस्टम है ये थोड़ा बहुत चीज़ें चलाने के लिए है, जो कि नॉर्मली अधिकतर नॉर्मल घरों में यही सारी चीज़ें रहती हैं और लोगों को इतना ही ज़रूरत होता है। तो बेसिकली इसके साथ आप 30 एम्पीयर तक का सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास जो ये वाला प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये भी है एक्साइड का 160 वाट का सोलर पैनल। तो आप इसमें का दो पैनल खुद से कनेक्ट कर सकते हो, दो पैनल जो कि 12 वाट का है, और ये भी 12 वोल्ट का ये सोलर पैनल है और ये भी 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। इसमें 24 वोल्ट के भी आते हैं तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। कभी हमें मौका मिला तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे 24 वोल्ट वाला भी इन्वर्टर ला के, क्योंकि इसके साथ वो भी आता है। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको लगवा सकते हो या खुद भी लगा सकते हो घर पे। अब देखें, जैसे इसके अंदर कुछ करना है नहीं, सिंपली अगर आ जाते हैं तो आप ये वाला जो कनेक्टर देख रहे हो इसके अंदर सोलर का कनेक्टर लगता है आके, तो आप इसके अंदर लगा सकते हो। नेगेटिव पॉजिटिव देख के यहाँ पे इजीली सब मेंशन है कि कौन क्या है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप 30 एम्पीयर तक का इसमें सोलर पैनल लगा सकते हो। बेसिकली ये वाला जो पैनल है ये आपका जो है ये 9 एम्पीयर का है, 9.2 एम्पीयर का ये वाला पैनल है। तो आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो लगाओ बहुत है। अगर तीसरा भी चाहते हो तो इसमें का पैनल लगा सकते हो, पर मैं मना करूँगा, क्या ज़रूरत है जब दो ही पैनल में काम चल सकता है आपका। वहाँ पे 320 वॉट हो ही जाएगा, तो ज़रूरत है नहीं। वैसे बाकी अगर आप चाहो तो कनेक्ट भी कर सकते हो और बेहतरीन होगा। तो इसके साथ आप बैटरी कौन सा लगाओगे वो सब भी चीज़ें हम बताएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हो इसके अंदर आपको कनेक्ट करना है, एंड यहाँ से आप आउटपुट ले लोगे तो वो तो इलेक्ट्रिशियन का काम है, वो कर देंगे आराम से। अब बात कर लेते हैं इसके वायर वगैरह की। तो आप इसमें जो वायर लगा है वो 6 mm का वायर है, जो कि काफ़ी हैवी वायर होता है, जो बैटरी कनेक्ट करने वाली वायर है काफ़ी ज़्यादा हैवी है बहुत, और यही चाहिए ही चाहिए। और ये रहा पावर कॉर्ड, सिंपल। इसमें बाकी जैसे कंपनियों के इन्वर्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेट करना होता है कि कौन सा बैटरी है कौन सा क्या, जैसे ल्यूमिनस में होता है, इसके अंदर तो वो है ही नहीं, सिंपल एकदम नॉर्मल। आपको बस लाना है, इसके अंदर सोलर डालना है, बस हो गया। इसको पावर में लगानी है, अब पीछे से अपना आउटपुट ले लेना है, सिंपल। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले दिखती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अब जैसे इसके अंदर UPS मोड है और नॉन UPS मोड है। अगर आप UPS मोड में चलाओगे तो आप ईजिली कंप्यूटर वगैरह भी चला सकते हो। UPS मोड में बेसिकली ये भी होता है कि अगर 200 वोल्ट से कम आता है तो ये चार्ज नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी से, ऐसा चीज़ होती है।
अगर 200 अगर वोल्टेज आता है, हर यूपीएस के साथ ऐसा है, हर यूपीएस में आप जब भी ऐसा करते हो तो। और बेसिकली ये इन्वर्टर साइन वेव इन्वर्टर है, मैं तो ये बताना ही भूल गया। तो जैसे फैन वगैरह अगर आप चलाते हो तो उसमें बाकी स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर होती है उसमें साउंड आता है, बहुत ही तगड़ा साउंड आता है, तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये साइन वेव इन्वर्टर है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर नहीं है। तो अभी ये हम बता रहे थे, यहाँ से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हो इन्वर्टर का, अगर आपको इन्वर्टर चलाना है तो चलाओ। तो इसके लिए ये बटन है, काफ़ी छोटे छोटे बटन दे रखे हैं। अब इसके अंदर आ गया है हाइब्रिड मोड, तो इसमें कई सारे आपको मतलब मोड देखने को मिलेंगे, बेसिकली आई थिंक 3 मोड देखने को मिलते हैं। तो आप इसमें हाइब्रिड मोड किस हिसाब से सेट करना चाहते हो कर सकते हो। सपोज़ आपको सोलर का नहीं करेंट चाहिए, आपको डायरेक्ट ही चाहिए, तो आप इसको क्लिक कर दोगे तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। फिर एक बार और ऐसे क्लिक कर दोगे तो, सपोज़ आप सिर्फ बैटरी लोड वगैरह चलाना चाहते हो, बैटरी लोड सोलर लोड इलेक्ट्रिसिटी एकदम कनेक्ट ना करे, तो ये भी आप कर सकते हो। पर अगर हाइब्रिड मोड में आप चलाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब वो पहले अगर दिन में अगर सोलर आपका एक्टिव हो जाता है तो वो सोलर से आपका जो भी सिस्टम है वो चलाएगा, फिर उसके बाद वो बैटरी यूज़ करेगा, जाहिर सी बात है फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, ऐसा सिस्टम काम करता है। अब बात करते हैं इसमें डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें शो करेंगी, जैसे इसमें बैटरी का वोल्ट, आपका जो सोलर है वो कितना करंट दे रहा है आउटपुट, ये सारी चीज़ें शो करेगा। एंड तो यही सारी चीज़ें था इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बेसिकली कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे कि ये इन्वर्टर आपको कितने का पड़ेगा। तो ये इन्वर्टर आपको पड़ेगा 7000 का, आपके मार्केट में हो सकता है 200-300 रुपये अप डाउन हो, बेसिकली ये 7000 का आपको पड़ जाएगा मार्केट के अंदर। और अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हो तो कभी भी ये सिंगल मत लगाना प्लीज़, 150, आप सोचो पैसा बचाने के चक्कर में तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। इसके लिए कम से कम अगर आप सिंगल बैटरी पे एक सोलर पैनल अगर लगा रहे हो, जैसे सोलर पैनल लगाना चाहते हो, तो मिनिमम 300 वाट का सोलर पैनल ज़रूर लगाएं, उससे नीचे का मत लगाएं, कोई मतलब नहीं है। फिर वही बात हो जाएगी कि आपने सिर्फ पैसा फूका है, आपने काम के लिए नहीं लगाया है। तो आप यही करिएगा, 300 से नीचे का मत लगाएगा। तो इसमें अगर आप 2 सोलर पैनल लगाओगे तो ईज़िली आपको 320 वाट मिल जाएगा। तो अगर मैं दोनों सोलर का प्राइस अगर काउंट करूं तो 11200 का पड़ेगा आपको सोलर पैनल ही, बस ये वाला। अब आ जाते हैं कि बैटरी क्या लगाना चाहते हैं। अगर बैटरी आप 150 AH का लगाओगे, सोलर बैटरी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, एक्साइड का भी आता है तो आप एक्साइड का भी लगा सकते हो, उसका प्राइस लगभग आपका आएगा 16000। आपके मार्केट के हिसाब से वो थोड़ा सा इधर उधर चेंज होता रहता है, तो आप वो देख सकते हो। आप इसमें थोड़ा 180 AH का भी बैटरी लगा सकते हो ईजिली, तो थोड़ा सा वही है 2000 आपका प्राइस बढ़ जाएगा, 2000-2500 प्राइस बढ़ जाएगा सिंपली। अगर मैं 150 AH का बैटरी अगर मान के हिसाब से चलूँ तो बात कर लेते हैं सिर्फ सिस्टम का, अगर चीज़ें जो खर्च आएंगी वो आएगा 34200 कुछ, हो सकता है थोड़ा सा बढ़ भी जाए या घट भी सकता है, लेकिन 34000 हम मान के चलते हैं। अब आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च भी आएगा, एक्स्ट्रा खर्च जैसे कि आप इसका बेस लोगे, सोलर पैनल किसी बेस वगैरह पे लगता है, अगर आप नॉर्मली किसी एंगल वगैरह खुद बनवा के करवा लेते हो तो ठीक है, तब भी तो खर्च होगा ही, तो होगा 1500-1200 खर्च तो होगा ही होगा। लेकिन इसके बेस भी आते हैं तो उसमें भी लगभग आपके 3000-4000 रुपये खर्च होंगे, तो वो एक्स्ट्रा हैं जो कि इसको सेव करने के लिए लगेंगे, तो वो सारे एक्स्ट्रा चार्ज आप जोड़ सकते हो। तो लगभग वही आप मान लो कि आपका खर्चा जो है 36000 से लेकर 38000 भी हो सकता है, तो फाइनली जो मैंने निकाला है वो हो सकता है 38000 आपका मैक्सिमम खर्च होगा, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, थोड़ा बहुत वायर वगैरह का जो हो सकता है हो सकता है। तो ये चीज़ आप खुद से कर सकते हो सिंपली, अगर आप घर में अपने लगवाना चाहते हो सोलर पैनल और ये हाइब्रिड इन्वर्टर। तो मैंने पूरी प्राइसिंग के साथ एकदम कैलकुलेटेड बता दिया है। और एक और चीज़ है, अगर आप हमसे ख़रीदना चाहते हो ये सारी चीज़ें तो आप ख़रीद सकते हो। बेसिकली बस मैं जहाँ रहता हूँ आप उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में रहो तो हो सकता है। मैं रहता हूँ बलिया डिस्ट्रिक्ट के, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट के बेल्थरा रोड शहर में, टाउन है बेसिकली ये। अगर इसके रेडियस में अगर कहीं भी आसपास अगर आप रहने वाले हो तो आप मैं आपको ये जो देख रहे हैं जो कार्ड है मैं आपको दिखा रहा हूँ,
इस कार्ड पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, चाहे अगर आपको लगवाना हो तो आप मंगवा भी सकते हो, आप चाहो तो आ भी सकते हो यहाँ पे इस पते पे ईज़िली एंड आके हमसे बात कर सकते हो इस चीज़ के सिस्टम को लगाने के लिए, जैसा भी है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा ये जानकारी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर इसी तरह का और भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिलहाल बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।